हेलो फ्रेंड, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही पावन पर्व होता है। इस दिन सारे मुहूर्त एक साथ रहते हैं, मुहूर्त देखने की ज़रूरत ही नहीं होती है। जो भी शुभ काम हो हम दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। आज का उपाय, पूज्य पंडित जी ने बहुत सारे उपाय बताए हैं, लेकिन आपको मैं ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो बहुत ही सरल है। उपाय सरकारी नौकरी के लिए है। यदि आप पढ़ाई कर थक चुके हैं, बिल्कुल परेशान हो गए हैं, बहुत सारे उपाय भी कर लिए हैं, बहुत बार एग्ज़ाम दे दी है, लेकिन रिजल्ट सिर्फ निराशा ही मिलता है, तो एक बार और ये उपाय करके ज़रूर देखिए, 100% सफलता ज़रूर मिलेगी। सबसे पहले आपको लेना है एक बेलपत्र, जो कि कटाफटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में लेना है आपको एक लोटा जल भर लेना है और लाल चंदन ले लेना है। इन तीनों चीज़ों को लेकर चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। सबसे पहले आपको एक लोटा जल समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद आपको लाल चंदन का पेस्ट बना लेना है। अब ध्यान से सुनना, लाल चंदन का पेस्ट बनाने के बाद जो आप बेलपत्र लेके गए हैं, उसके ऊपर बेलपत्र के तीनों पत्तियों पर आपको अपनी उंगली से लिखना है राम। सबसे पहले बड़ी वाली पत्ती पर लिख देंगे राम, उसके बाद में दो अगल बगल वाली पत्ती पर लिख देंगे राम राम। ऐसे करके तीनों पत्तियों पर एक एक राम शब्द लिख दिया। लिखते समय आपको अपनी मनोकामना बोलनी है कि हे भगवान, हम एग्ज़ाम दे दे के परेशान हो गए हैं, तो अब हमारा रिजल्ट बिल्कुल अच्छा आना चाहिए। उसके बाद आपको वो बेलपत्र ऐसी की ऐसी भगवान शिवजी को समर्पित कर देनी है। डंडे वाला मुख माता अशोक सुंदरी की तरफ करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको मनोकामना बोलकर घर आ जाना है। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, ये उपाय करने के बाद आपको निश्चित सफलता मिलेगी। ये उपाय करके ज़रूर देखिए और सफलता प्राप्त कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।